हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम किया है, और पैन गरम होने के बाद मैंने उसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड किया है। हमारा ऑयल गरम हो गया है तो उसमें मैंने 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया है। जीरा के चटक जाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं, जिसको कि मैंने तेल में डाला है। अब इसे हम एक हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसे हमको, क्योंकि इसी से हमें ग्रेवी तैयार करना है। पहले हम प्याज को थोड़ा अच्छे से फ्राई होने देंगे। प्याज थोड़ा फ्राई हो चुका है, ताकि इसमें नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए और इनका अच्छा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, हमारी सब्जियां अच्छे से भुनकर रेडी हो गई हैं, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका हमें पेस्ट रेडी करना है, तो इसके लिए हम इसे एक बर्तन में निकाल के और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में पीस लेंगे। इसको इसे हम एक बर्तन में निकाल के साइड में रख लेंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम पनीर रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितना पनीर लिया है, और उसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड किया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है मैंने इसमें, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पनीर को हल्का फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन गरम किया है, और उसमें 1 टेबल स्पून घी लिया है। घी को चारों तरफ फैलाते हुए हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह से हल्के आंच पे फ्राई करेंगे। पनीर को बिल्कुल हल्का फ्राई करना है हमें, ताकि ये ज़्यादा स्टिफ भी ना हो जाए, और इसका जो कच्चापन होता है वो भी निकल जाए। ये देखिए, हमारा पनीर कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। धीमे धीमे आँच पर फ्राई कर रहे हैं हम इसे। अब मैंने सारे पनीर को पलट लिया है, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम एक सॉस पैन में पानी गरम करेंगे, और उसी गरम पानी में हम पनीर को डालेंगे, ताकि हमारा पनीर का जो टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट रहे और वो स्टिफ ना हो जाए। तो गरम पानी में डालने से हमारा पनीर का जो टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, और खाने में भी बहुत क्रीमी टेस्ट आता है उसका। मसाले कितने अच्छे दिख रहे हैं, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है हमारे मसाले का। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि हमारे
पानी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है मसाले में। अब हम हमारे ग्रेवी को मिक्स करेंगे अच्छे से और हम उसमें एक अच्छा उबाल आने देंगे। ये देखिए हमारा ग्रेवी रेडी हो चुका है, इसमें एक अच्छा उबाल भी आ चुका है, इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आया है। मैंने 50 ग्राम पनीर को ग्रेट करके साइड में रख लिया था। इस टाइम पे हम इस ग्रेटेड पनीर को ग्रेवी में ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी फ्लेवरफुल होगा हमारा ग्रेवी। यहीं पे अब हम जो पनीर पानी में हमने डाला था फ्राई करके, उसको ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स करके एक और उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा पनीर मसाला रेडी हो चुका है। इसी टाइम पे हम इसमें 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा पनीर मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। इसे आप पूरी, पराठे, नान या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।